जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम बाइबल के बारे में बात करने वाले हैं कि बाइबल में कितनी ज़्यादा शांति है। आजकल के लोग बड़ा बाइबल बाइबल 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं कि जीसस तो इतने अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए जान दिया। लेकिन आज हम जीसस की अच्छी से धुलाई करने वाले हैं, बड़े प्यार से धुलाई करते हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं चालू। हाँ, तो ये बाइबल का ईसाइया चैप्टर है। यहाँ पे 1 से लेके 20 तक मैंने पढ़ा। यहाँ पे मैंने आपको वर्सेस भी दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ। तो बाइबल का जो बेबलोन है, इसको बेबलोन में बेबलोन के लोगों को पहले तो यहोवा धमकी देता है कि बुरे कर्म मत करो, और जो बुरे कर्म करेगा मैं उसे वैसे ही बुरे कर्म मतलब बुरा दंड दूंगा। अगर तुम्हें अभिमान है तो मैं तुम्हारा अभिमान तोड़ दूंगा, और तुम अगर मतलब बुरे आदमी हो तो तुम्हें दंड दूंगा। ठीक है, यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब थोड़े और अब आगे पढ़ते हैं कि ये देखिए 13.16 में क्या लिखा है, उनके घरों के हर वस्तु चुरा ली जाएगी। और भाई, यहोवा इनके साथ समर्थन करेगा। यहोवा, अगर आप कोई सामान चुरा लेते हैं तो उसका समर्थन यहोवा कर रहा है, यानी जो समर्थन करने वाला है वो भी चोर होता है। तो मैं यहोवा को चोर के बराबर ही समझता हूँ। फिर आगे पढ़िएगा तो उनकी पत्नियों के साथ कुकर्म होगा, यानी भाई यहाँ पे रेप की बात की जा रही है। कुकर्म मतलब रेप। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, एक आदमी की गलती के लिए तुम उसके पूरे परिवार के साथ दंड दोगे, उसके पूरे परिवार को दंड दोगे, ये कहाँ का न्याय है? मुझे तो यही नहीं समझ आता भाई, है ना। ये इनका चैप्टर नंबर, ईसाइया चैप्टर नंबर 13 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 13.16 में लिखेगा कि उनके पत्नियों के साथ, उनके औरतों के साथ कुकर्म होगा, उनके बच्चों को मार डाला जाएगा। भाई ये ऐसा ईश्वर मैंने नहीं देखा है कि बच्चों को भी मारता है। भाई मैंने तो ऐसा ईश्वर कभी नहीं देखा है, और ऐसा ईश्वर हो भी नहीं सकता है। मैं तो भाई बेबलोन के ये जो घटना है, चलो बेबलोन कितना भी बुरा कर्म करता हो, क्या उनकी पत्नियों को मारना, उनके पत्नियों के साथ रेप करना, ये जायज है? आप खुद से सोचिएगा कि अगर आप कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो क्या आपके पत्नी को दंड मिलना, ये जायज है? ये अन्याय है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। भाई अगर मैं बुरा कर्म करता हूँ, मुझे दंड दो ना, मेरे बच्चों को और मेरे पत्नियों को दंड क्यों देते हो? लेकिन इनके यहुवा, इनके सो कॉल्ड ईश्वर कहते हैं कि उनके साथ बलात्कार करो, उनका बलात्कार होगा, और मैं देखते रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो बलात्कार, मैं देखते रहूंगा, ये कह रहे हैं यहोवा। क्या बात है, उनके बच्चों को भी मारा जाएगा। भाई अब मुझे समझा दो कि कौन सा बेबलोन के बच्चों ने कौन सा पाप किया था? क्या बेबलोन के बच्चों ने करोड़ों बच्चों को मारा था? नहीं जी, बेबलोन के अगर आप कहोगे पुरुषों ने कर्म किए होंगे कुछ बुरे, लेकिन बेबलोन के बच्चों की क्या गलती थी, बेबलोन की औरतों की क्या गलती थी कि उनके साथ रेप करोगे? और भाई कितना भी बुरा कर्म कोई भी करे, उसकी लड़की के साथ रेप करना कहीं से भी जायज नहीं है। तो आपका जो बाइबल है ना, वो रेप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है भाई? अगर कोई लड़की अगर किसी का मर्डर कर देती है तो क्या तुम भी उसका रेप कर दोगे? नहीं, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन रेप कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता है। आगे आइए, कुछ और वर्सेस से इनके बाइबल को, इनके यहोवा को एक्सपोज करते हैं। तो एक्सोडियस चैप्टर है बाइबल का 21 और 21 देखते हैं। तो व्हेन अ मैन स्ट्राइक्स हिज मेल और फीमेल स्लेव विद रॉड सो हार्ड दैट द स्लेव डाइज अंडर हिज हैंड ही शुड बी पनिश्ड। यहाँ तक ठीक है कि अगर कोई अपने स्लेव को मार देता है और वो मर जाती है तो उसको पनिश करना चाहिए, अच्छी बात है, चलिए जस्टिस किया यहाँ पे। लेकिन इफ हाउ एवर द स्लेव सर्वाइव्स फॉर अ डे, अगर एक दो दिन अगर स्लेव बच जाती है तो उसको, उसको जो जिसने मारा है, जो उसका मालिक है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ का जस्टिस है भाई? मतलब अगर मुझे एक बात समझाओ, अगर मेरा कोई स्लेव है, उसका सर फोड़ दूं मैं, उसकी गांठ तोड़ दूं मैं, या उसका कुछ भी, आप मान लो लाइक उसका उसको चाकू मार दूं, अपने स्लेव को चाकू मार दूं, उसका आँख फोड़ दूं, नाक फोड़ दूं, तो वो चीज़ पनिशेबल नहीं है, क्योंकि भाई उसने मेरे पैसे लिए हैं, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। ये कहाँ का जस्टिस है भाई? और भाई ये बाइबल में स्लेव सिस्टम क्यों प्रमोट किया जा रहा है, और जीजस इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा आइए पढ़ते हैं हम। तो जीजस कहते हैं मैथ्यू 5:17 में, डू नॉट थिंक आई हैव कम टू एबॉलिश द लॉ और द प्रॉफिट, आई हैव नॉट कम टू एबॉलिश देम बट टू फुलफिल देम। मतलब भाई अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट अगर कहता है कि कोई भी अगर किसी का सर फोड़ देता है तो उसको कोई गुनाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और सेक्स स्लेव प्रमोट करता है, ये स्लेव को प्रमोट करता है,
स्लेवरी को प्रमोट करता है, तो मैं उसको अबॉलिश करने नहीं आया हूँ, मैं उसे फुलफिल करने, उसको पूरा करने आया हूँ। भाई क्या बात है, ये है इनके जीजस। हे राम भाई, मैंने ऐसा भगवान नहीं देखा, ऐसे भगवान का बेटा नहीं देखा जो कहता है कि भाई किसी का सर फोड़ दो, अगर वो तुम्हारा स्लेव है कोई बात नहीं, तुमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भाई ये कहाँ का जस्टिस है भाई, ये कहाँ का जस्टिस सिस्टम है भाई। तुम्हारे जस्ट ये जो जीजस हैं, अगर तुमको इतने अच्छे ही जीजस थे तुम्हारे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं स्लेव सिस्टम को हटाया जाए, स्लेव सिस्टम को बिल्कुल हटाया जाए। लेकिन तुम्हारे जीजस तो प्रमोट कर रहे हैं स्लेव सिस्टम को, कह रहे हैं कि कोई प्रॉफिट अगर कहता है कि प्रॉफिट का कोई रूल है या कोई लॉ है, बनाया है प्रॉफिट, तो मैं उसको तोड़ने नहीं, मैं उसको और बढ़ाने आया हूँ। ये क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए इनके लिए भाई। क्या बहुत बहुत बेकार चीजें हैं भाई। अगर आप पढ़ने लगिएगा बाइबल ना, तो दूसरे तीसरे दिन आप भाई सदमे में पड़ जाइएगा। ये तो अभी मैंने सिर्फ दो वर्सेस दिखाए हैं आपको, आइए एक और आपको दिखा देता हूँ, आप फिर चौंक जाएंगे। एंड अब हम बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ पे आते हैं, बाइबल के मैथ्यू 10:34 से लेकर 39 तक मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जीजस डिडेंट डाइड फॉर आवर सिंस। जो कहते हैं ना कि जीजस डाइड फॉर आवर सिंस हैं, अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, सुनो मेरी बात। 34 यह है ना, समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, यानी कोई मिलाने विलाने किसी को अच्छाई करने नहीं आए थे जीजस, वो सिर्फ तलवार चलाने आए थे, ठीक है। तो अब जो कहते रहते हैं ना कि जीजस आए थे तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए, तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए आए थे, तुम्हारे बुरे कर्म थे, जीजस तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए मरे। मेरे कौन से बुरे कर्म थे, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब वो कैसे मेरे बुरे कर्मों के लिए मरे होंगे हैं, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था भाई। आज कहते रहते हैं लोग, चलो उस टाइम अगर कहते कि कुछ कुछ चंद लोगों के लिए मरा होगा ये व्यक्ति, 3-4 लोगों के लिए या अपने कोई कर्मों के लिए मरा होगा, लेकिन ये कहते घूमते कि जीजस डाइड फॉर ऑल द सिंस ऑफ अर्थ, मतलब भाई पूरे बुराई जो दुनिया पे बुराई है। अरे भाई मेरे लिए कैसे वो मरे, मैं तो आज पैदा हुआ हूँ, मैं तो कुछ साल पहले पैदा हुआ हूँ, वो व्यक्ति 2000 साल पहले पैदा हुआ है, वो मेरे लिए कैसे मरा, मेरे बुराई के लिए कैसे मरा। इस चीज का तो भाई कोई इनके पास जवाब ही नहीं मिलता। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। मैंने आपको रेप के भी प्रमाण दिए कि आपका जो यहुवा है वो रेप को प्रमोट करता है, मैंने आपको ये भी प्रमाण दिए कि जो यहुवा जी हैं वो कैसे व्यक्तित्व थे, मैंने आपको जीजस जी का भी प्रमाण दिया। होप करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो राइस बैग उठाइए और जाके लेके जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं। जय श्री राम, जय माता।